हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज हम एक्शन वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड, ये तीनों पढ़ेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं जब भी उनको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है कि कोई सेंटेंस है या कुछ वर्ड्स दे दिए मिक्स करके कि इनमें से कौन सा नेमिंग वर्ड है, कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो आई होप इस वीडियो के बाद ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम तीनों नेमिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड और एक्शन वर्ड की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज नोन एज अ नाउन और नेमिंग वर्ड। ये सबसे पहले बच्चों को नेमिंग वर्ड्स ही पढ़ाया जाता है, ये उनको सिंपल लगता है, ज्यादा हार्ड इसमें नहीं लगता है, बट वो बाद में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं जब डिस्क्राइबिंग और एक्शन वर्ड भी आता है। और डिस्क्राइबिंग वर्ड की डेफिनेशन होती है द वर्ड्स विच डिस्क्राइब नेमिंग वर्ड्स। ऐसा वर्ड जो नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करता है उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्शन वर्ड आर द वर्ड दैट टेल अबाउट एन एक्शन। एक्शन वर्ड एक ऐसा वर्ड होगा जो भी आपका कोई काम करने के बारे में, चाहे वो कोई भी काम हो, हंसना, रोना, खाना पीना, खेलना, तो वो सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे एक्शन वर्ड की कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों को ऐसा कर सकते हैं कि एक फैमिली मेंबर्स, आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका नाम लिखने के लिए बोलिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। आप और भी लिख सकते हैं अंकल, आंटी, मामा, मामी, ताऊ, ताई जी, जो भी जितने भी आपके यहाँ घर पे फैमिली मेंबर्स हैं वो सब उनका नाम लिखने के लिए बोल दीजिए उनको। तो वो सब हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, नेमिंग वर्ड्स की कैटेगरी में। उसके बाद डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो भी हमारे पर्सन होते हैं उनकी उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होती है, वो कुछ कोई ऐसा वर्ड जरूर होता है जिसके बेसिस पे हम उनको एकदम से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड की कैटेगरी में आएगा। तो मान लीजिए किसी के ग्रैंडफादर बहुत शांत रहता है तो काम, माई ग्रैंड फादर इज वेरी काम, या उनका नेचर कैसा है, कामफुल नेचर है उनका। या फिर हम लिख सकते थे माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड, तो ये काम और ओल्ड क्या है, ग्रैंड फादर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो काम और ओल्ड क्या हो गया यहाँ पे, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर इज वेरी ब्यूटिफुल, तो ब्यूटिफुल क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो इस तरह से आप अगर उनको बेसिक घर में ही एग्जाम्पल देंगे तो उनके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फादर के लिए आप लिख सकते हैं हैंडसम, स्मार्ट, टॉल, तो इस टाइप से काफी सारे वर्ड्स हो सकते हैं। उनको पहले खुद लिखने के लिए बोलिए, उसके बाद आप उनको बताइए कि हाँ आपके फादर में और भी जो जो क्वालिटीज हैं उनको भी लिखो, तो वो सब जो क्वालिटीज होंगी वो सब डिस्क्राइबिंग वर्ड की कैटेगरी में आएंगी। मदर इंटेलिजेंट, ब्रदर ब्रेव, सिस्टर शाय। तो इसी तरह से आप एक फ्रेंड की लिस्ट बनाने के लिए भी बोल सकते हैं उनको कि आपके फाइव फ्रेंड्स हैं, उन पांचों फ्रेंड का नाम लिखने के लिए बोलिए, तो वो सब क्या होंगे, नेमिंग वर्ड की कैटेगरी में आएंगे, उनको बोलना है। फिर उन पांचों फ्रेंड्स को में जो जो भी क्वालिटी है, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड है उसकी ब्राउन आईज है, तो उसकी डिस्क्राइब क्या हो, डिस्क्राइबिंग वर्ड वहां पर क्या हो जाएगा, ब्राउन। तो उसकी आईज का कैसा कलर है, ब्राउन। तो इस टाइप से हम काफी सारी कैटेगरीज बना सकते हैं और डे बाय डे वो उनको अगर इस टाइप की एक्टिविटी कराएंगे तो उनका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब सेम ग्रैंडफादर आपकी क्या एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर को टीवी देखना बहुत पसंद है, तो वॉच टीवी, तो वॉचिंग इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल रीड। अब मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो रीडिंग क्या है, यहाँ पर एक एक्शन वर्ड है। ग्रैंडमदर कुकिंग करती हैं, आपकी घर पे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो कुक। और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बेसिक बेसिक वर्ड मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखे हैं। फादर ड्राइव करते हैं, ड्राइव करना भी एक्शन वर्ड है। मदर डांस करती हैं आपकी, या सिंगिंग करती हैं, या पेंटिंग करती हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, हमारे एक्शन वर्ड्स में आएंगे। ब्रदर खेलता है आपका, प्ले। सिस्टर आपकी सोती है, मान लीजिए छोटी सिस्टर है वो सोती ज्यादा है, स्लीप, तो ये सारे वर्ड्स हमारे एक्शन वर्ड की कैटेगरी में आते हैं।
कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनके बारे में आप उनसे पूरा पूरा लिखवाइए थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में। जैसे टीचर, आपने नेमिंग वर्ड उनको लिख के दे दिया, आपने 5 टीचर के नेम लिखिए, हिंदी की टीचर, मैथ की टीचर, तो उनके नेमिंग वर्ड्स और भी ज्यादा क्लियर होते जाएंगे और हर टीचर में कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, तो वो सारी क्वालिटी डिस्क्राइबिंग वर्ड की कैटेगरी में आएंगी। और एक्शन वर्ड क्या है वो आपको पढ़ाती हैं, तो पढ़ाना क्या है, टीचिंग क्या हो गया, वहां पे एक्शन वर्ड हो गया। तो इस तरह से कोई भी नेमिंग वर्ड लेके आप डिस्क्राइबिंग वर्ड और एक्शन वर्ड उनको क्लियर करा सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर खाली गर्ल लिखा हुआ है, गर्ल का नेम नहीं पता, तो गर्ल भी यहाँ पर क्या है, एक नेमिंग वर्ड ही है। इंडिया, तो इस तरह से कंट्री का नेम भी हो सकता है और कोई प्लेस भी हो सकता है, जैसे बाथरूम, स्विमिंग पूल, चर्च, टेम्पल। और अगर खाली एनिमल वर्ड भी लिखा हुआ है वो भी नेमिंग वर्ड की कैटेगरी में आएगा, और अगर एनिमल का नेम लिखा है तो वो भी नेमिंग वर्ड की कैटेगरी में आएगा। ये थिंग्स हैं आपकी, बुक्स, लैपटॉप, पेंसिल। और डिस्क्राइबिंग वर्ड में देखिए बेसिकली क्या क्या चीजें आती है, कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे आई हैव टू पेंसिल्स, तो टू क्या होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड। कलर, कोई भी कलर की आप बात करते हैं तो वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड में आएगा। साइज, तो डे बाय डे बच्चों को कुछ कुछ एग्जाम्पल दीजिए और उनको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम नेमिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड और एक्शन वर्ड को, अभी आगे मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगी, उससे और भी ज्यादा क्लियर होगा। एक्शन वर्ड्स, जंप, प्ले, ईट, रीड, ड्रॉ, वॉक, क्राई, पेंट, स्लीप, स्विम। अब यहाँ पे देखिए मैंने काफी सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, आप भी बच्चों को इस टाइप से बना के दीजिए एक वर्कशीट और उनको बोलिए कि जितना अब तक समझ में आया है उस बेसिस पे इन सब वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में लिखना है, नेमिंग वर्ड की, डिस्क्राइबिंग वर्ड की और एक्शन वर्ड की। कैट, कैट आपका एनिमल है, तो एनिमल हमारा किस कैटेगरी में आता है, नेमिंग वर्ड की कैटेगरी में। नेक्स्ट टेबल, टेबल क्या है, थिंग, थिंग क्या होता है, नेमिंग वर्ड। नेक्स्ट वर्ड ओल्ड, मैंने आपको ग्रैंडफादर का एग्जाम्पल दिया था, तो किस में आएगा ये, डिस्क्राइबिंग वर्ड। जॉग, जॉगिंग करते हैं मॉर्निंग में, तो एक एक्शन होता है वो, एक्शन वर्ड। रिच क्या है, किसी पर्सन को बता रहा है कि वो रिच है या फिर पुअर है, तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड में आएगा। मॉल, प्लेस है आपका, नेमिंग वर्ड। काइंड, डिस्क्राइबिंग वर्ड। कॉल, एक्शन वर्ड, किसी को हम कॉल करते हैं या किसी को बुलाते हैं। अगली, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ब्यूटीफुल, प्रिटी, ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। स्नीज, एक्शन वर्ड। बैग आपका थिंग है, नेमिंग वर्ड। प्रिटी, डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्रेयॉन, नेमिंग वर्ड। टेस्टी, किसी भी फूड की आप बात करेंगे, टेस्टी, यमी, डिलीशियस, तो वो सब आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड की कैटेगरी में आएगा। स्कैरी, बनाना, नेमिंग वर्ड। क्राई, एक्शन। फाइट, एक्शन। तो इस टाइप से आप काफी सारे वर्ड्स बच्चों को लिख के दे सकते हैं, या शुरू में 5 वर्ड लिख के दे दीजिए अगर ज्यादा कंफ्यूज हैं बच्चे तो, और फिर धीरे धीरे वो वर्ड्स बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनमें से आपको बताना है, करना है, कोशिश करनी है बच्चों को कि कौन सा नेमिंग वर्ड में आएगा, कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड में और कौन सा एक्शन वर्ड में। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, आप बच्चों को अपने आप करने के लिए दीजिए। नेक्स्ट, सर्कल द नेमिंग वर्ड्स। अब जब बच्चे वर्ड पहचानना सीख जाते हैं उसके बाद उनको सेंटेंस में दिया जाता है कि सेंटेंस में आप सर्कल कीजिए या फिर अंडरलाइन कीजिए। आई लव ग्रेप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब भी थिंग होते हैं, तो वो नेमिंग वर्ड ही होते हैं। अ क्रो इज सिटिंग ऑन अ ट्री, क्रो क्या है, नेम है, ट्री। दिस कार बिलोंग्स टू माई ब्रदर, अगर ब्रदर का नेम लिखा होता तो वो भी नेमिंग वर्ड होता, और खाली ब्रदर लिखा है तो वो भी नेमिंग वर्ड है, और कार क्या है हमारा, थिंग में आ जाता है। एनिमल्स, जू। रीता इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ग्राउंड क्या हो गया आपका, एक प्लेस हो गया, और रीता हमारा क्या है यहाँ पे, नेम, पर्सन। ग्रैंडफादर पर्सन है यहाँ पर। और नेक्स्ट, स्टिक। अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, अब आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड बताना है, अब यहाँ पर बच्चों को ध्यान रखना है, जो भी क्वालिटी बताएगा या कोई भी नंबर बता रहा है, टेक्सचर बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, कलर बता रहा है, वो सब क्या आता है हमारा, डिस्क्राइबिंग वर्ड की कैटेगरी में आता है। व्हेल्स आर ह्यूज एनिमल्स, तो ह्यूज क्या मतलब यहाँ पर क्या होता है, विशाल, तो ह्यूज यहाँ पर क्या हो गया हमारा, डिस्क्राइबिंग वर्ड जो कि एनिमल को बता रहा है। एनिमल क्या है यहाँ पे, नेमिंग वर्ड।
रैबिट इज वेरी फास्ट, यहाँ पे फास्ट क्या है उसकी क्वालिटी है। टर्टल्स हैव अ हार्ड शेल, हार्ड सॉफ्ट, मान लीजिए कोई पिलो के बारे में या फिर किसी सॉफ्ट टॉय का कोई सेंटेंस होता तो वहां पे सॉफ्ट क्या होता हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड। शार्क हैव शार्प टीथ, शार्प यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड। ग्रीन एंड सोर, जैसे स्वीट हो सकता था, डिलीशियस, यमी, टेस्टी, ये सब मैंने बताए थे, सब डिस्क्राइबिंग वर्ड की कैटेगरी में ही आते हैं। स्लोली अगर फास्ट होता तो वो भी हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड की कैटेगरी में आता। कुछ एग्जाम्पल और लिखे, आई हैव टू बुक्स, टू क्या है यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। बटरफ्लाई इज येल्लो, यहाँ पे कलर बताया गया है। बिग, यहाँ पे साइज बताया है। सैड यानी फीलिंग बताई है। ही बाय अ न्यू कार, न्यू या ओल्ड कुछ भी हो सकता है, वो भी हमारा एडजेक्टिव होगा। अब एक्शन वर्ड आपको अंडरलाइन करना है, स्विम्स, रीड, जंप, ईट, स्माइल्स, रैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।